तुम्हें आज गिनती का पुस्तक से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, द बुक ऑफ नंबर्स। और इस पुस्तक से कुछ बातों को यहाँ भोजपुरी के विश्वासियों को सिखाया था, तो सोचा इन बातों को मैं आज आपके साथ भी शेयर करूँगा। और ये गिनती का 13 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 13, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज इन मराठी और कन्नड़ा, गिनती का पुस्तक को क्या कहते हैं कन्नड़ और मराठी में? कन्नड़ा, कन्नड़ा। ओके, गणना। ये गणना का पुस्तक से हमने कुछ वचनों को पढ़ने वाला हूँ, और मैं 13 अध्याय और यहाँ पर वर्स 21-24 पढ़ने वाला हूँ। वर्सेस 21-24। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देख भाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और एब्रोन पर गए। वहाँ अहिमन, शेशो और तरने नामक अनाकवंशी रहते थे। एब्रोन मिस्र के से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशको नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छ समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इसराइल वहीं से दाखों का कुछ तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नामक एशकोल नाला रखा गया। अभी इसका जो बैकग्राउंड भूमिका ऐसा है कि इसराइल देश मिस्र से बाहर निकल कर आया, और लाल समंदर भी उन्होंने पार किया, और लाल समंदर पार करने के बाद वो कनान देश जाने के सोच रहे। लेकिन कनान देश में जाने से पहले वहाँ पर ऐसा है कि मूसा ने 12 जन को कनान देश को देखने के लिए, यहाँ पर ऐसा शब्द है भेद करने के लिए, इंग्लिश में उनको स्पाइस बोलते हैं, लेकिन स्पाइस जो है आज दूसरा अर्थ से देखा जाता है, जासूस जैसा कहला सकते हैं। लेकिन ये भेद का मतलब, ये शब्द भेदभाव हमको मिलता है हिंदी में, तो मतलब वो जमीन कैसा है उसका वजन करने के लिए, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, वो करने के लिए गए। और वहां पर ये 12 जन में से 2 नाम हम लोगों को मालूम है, वो है कालब और योशुआ। कालब और योशुआ, ये 12 जन जो है वो कनान देश देखकर फिर वो वापस आया, और वापस आने के बाद ऐसा 27 पद में हम लोग पढ़ते हैं, 27 में उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। तो उन्होंने उस उपज में से, उस कनान देश से 3 फल लेकर आए, और वो 3 फल के नाम यहाँ पर 23 पद में हम लोग पढ़े, वर्स 23 में हम लोग उन फलों के नाम हमने पढ़े। सबसे पहले उन्होंने एक डाली दाखों के गुच्छ समेत तोड़ ली, तो हम लोग मराठी में द्राक्षे हम लोग बोलते हैं, मालूम है। और वहाँ के अंगूर, जो मिरज सांगली डिस्ट्रिक्ट का जो अंगूर यहाँ बंगाल में भी हम लोगों को मिलता है, और सबसे मीठा है, और ऐसे अंगूर पूरे भारत देश में कहीं पे भी नहीं है, और पूरे भारत में सिर्फ नहीं, विदेश में भी अपने सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंगूर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो अंगूर का जो गुच्छ है इतना बड़ा है कि 2 लोगों को उसको उठाना पड़ा। और अंगूर, जब हम देखते हैं अंगूर किसका चित्र है, अंगूर को अगर हम शास्त्र में देखते हैं, अंगूर
ये इंग्लिश में बोलते हैं प्लेजर, इट्स अ सिंबल ऑफ प्लेजर, खुशी का एक एक प्रतीक है। और ये लोग जो कनान देश में जाकर आया और ये इन फलों को लाया, वहाँ देखा कि बहुत खुशी है, इट्स अ प्लेस ऑफ प्लेजर। और दूसरा फल उन्होंने वहां से लाया, वो 23 पद में ऐसे लिखा है कि अनारो डालिम, हम लोग बोलते हैं मराठी में, अनारों को उन्होंने लाया। अभी अनारों का चित्र क्या है? अनारों का चित्र है, आपको जब मंदिर बनाया गया जेरूसलम में, जब मंदिर बना और मूसा ने भी जब इसराइलियों को मंदिर के कपड़े, मंदिर का जो पर्दा और मंदिर का जो कलाकार जो है, वहां पर ये अनार का चित्र बहुत जगहों पर उन्होंने बनाया था। तो अंगूर का ये अनारों का जो चिन्ह है, ये हमारा कर्तव्य दिखाता है, शोज अस आवर ड्यूटी। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये है कि हम लोग परमेश्वर का उपासना करें। जब मूसा फेरो राजा के पास गया था और उनको बोला था कि हमको इजाजत दो मिस्र देश से बाहर जाने जाने के लिए, तो उन्होंने फेरो राजा को बोला था कि हम लोग जाएंगे और यहोवा का आराधना करेंगे, यहोवा का उपासना करेंगे और उसके लिए हम लोग बलिदान करने वाले हैं। तो इस कारण से उनको मिस्र देश छोड़ना पड़ा। और वो ये अनारों का जो चिन्ह है, वो हमको हमारा कर्तव्य या ड्यूटी दिखाता है। अंगूर जो है हम लोगों के लिए खुशी का बात है, और अनारों ये हमारा कर्तव्य का बात है, इस आवर ड्यूटी। और अंजीर जो है, अंजीर के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो एक पौष्टिक फल है। जब प्रभु यीशु मसीह भी खुद बहुत सारे किलोमीटर वो पैदल गए, तो ये अंजीर का पेड़ के पास गया और वहां से प्रभु यीशु मसीह को भी कुछ खाने का इच्छा रहा उस अंजीर का पेड़ से। अंजीर का फल से हम लोगों को पौष्टिक मिलता है, इट वॉज अ हेल्दी फूड, इट वुड गिव अस स्ट्रेंथ। तो ये अंजीर का एक चित्र है, ये अंजीर जो है ये हम लोगों के लिए पौष्टिक मिलेगा, इट सपोज टू बी हेल्दी। तो इस प्रकार से ये 3 फलों का जो चित्र जो है हमारा कर्तव्य दिखाता है, शोज अस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक तो जब हम प्रभु के काम करेंगे तो निश्चय हम लोगों को खुशी मिलने वाला, इट गिव्स अस प्लेजर। दूसरा चीज है, ये हमारा कर्तव्य है और ये कर्तव्य को हमको पूरा करना चाहिए, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी नीड टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा जो फल यहाँ पर है, ये अंजीर है। और प्रभु के काम में जब हम लगे रहते हैं, प्रभु निश्चय हम लोगों को शक्ति देता है, और जो कुछ हम लोगों को इस दुनिया में चलने के लिए चाहिए वो परमेश्वर खुद हम लोगों को देता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये 12 जन जो गए थे, जो भेद करने के लिए गए थे, वो उनमें से 10 जन जो है हम लोगों के लिए एक नेगेटिव रिपोर्ट, इसराइली लोगों के लिए एक नेगेटिव रिपोर्ट दिया। तो हम लोग वो नेगेटिव रिपोर्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं 26 सॉरी वर्स 32 में, 32 पद में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं वर्स 32 में। और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है, मतलब नकारात्मक जो सोच है, हमेशा कुछ फायदा होने वाला नहीं इस प्रकार का सोच से। और ये नेगेटिव थिंकिंग के वजह से बहुत सारे
काम, प्रभु का काम भी रुक गया है, क्योंकि इस प्रकार का जो सोच था वो लोग क्या सोच रहे थे कि कैसे हम इन राक्षसों को मारेंगे, कैसे उन शहरों को कब्जा करेंगे, हमारे पास युद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो लोग भूल गए थे कि अभी ही कुछ ही दिन पहले परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से, चमत्कारों से उनको मिस्र देश से बाहर लाया, लाल समुंदर को भी भाग किया था और उनको अभी कनान देश की तरफ उनको लेकर आया। तो इन प्रकार का जो यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं नेफिलिम, और एक प्रकार के जो राक्षस है, जो बहुत ही लंबे लंबे लोग है, परमेश्वर उनको भी मार सकता है। तो हम लोगों को इन चीजों से क्या सीखना है, वी शुड नॉट बी नेगेटिव। इस प्रकार का नेगेटिव थिंकिंग जो है हम लोगों के अंदर नहीं चाहिए। हाँ, सोच समझ कर काम करना है, प्रार्थना पूर्वक काम करना है, लेकिन हमको ये हमेशा याद में रखना है कि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो निश्चय परमेश्वर का इच्छा अगर होगा, जो कार्य के लिए हम लोग कष्ट कर रहे हैं, जो कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। एंड लेट अस नॉट बी नेगेटिव। लेकिन केलब और जोशुआ का सोच किस प्रकार का है, ये 30 पद में हम लोग देखते हैं। वर्स 30 में हम लोग पढ़ते हैं कि पर केलब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निश्चय संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। इंग्लिश में ऐसा है कि वी मस्ट गो अप एंड टेक पोजेशन ऑफ द लैंड बिकॉज वी कैन सर्टनली कॉन्कर इट, निश्चय हम उन दुश्मनों को हरा सकता है। और हम लोग बाद में जब केलब के जीवन में हम देखते हैं, यशोवा का 14 अध्याय में हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि केलब जब 80 साल का था, उसने यशोवा को बोला कि देखो मुझे इस पहाड़ दे दो जहां पर वो राक्षस रहते थे, जो जायंट्स, जो लंबे 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 लोग जो रहते थे, उसी देश को केलब ने जाकर हराया और उस देश को बोला कि वहां पर ऐसे लिखा, गिव दिस माउंटेन टू मी, उसने ऐसा उन्होंने पूछा। तो इसी प्रकार से परमेश्वर भी हम लोगों को उसके कार्य के लिए वो शक्ति देता है, उसके कार्य करने के लिए हमको सहायता मदद करता है। और जो कुछ भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए अगर हम करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा। और जो तीन फल हमने देखा, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट्स एंड फिग्स, ग्रेप्स अंगूर जो है खुशी में हमको मिलेगा, पोमोग्रेनेट्स मतलब हमारा ये करते हुए परमेश्वर हमको काम देता है, और फिग्स का मतलब परमेश्वर हम लोगों को सेटिस्फैक्शन या जो भी शक्ति हमको चाहिए परमेश्वर हमको देता है। और इन बातों को हम अपने मनों में रख के परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। थैंक यू।